भाई चार चार मोबाइल है, निकालो इसमें से चार मोबाइल, हाथ हाथ पकड़ो, चार मोबाइल है, मोबाइल ले जाओ, चार चार मोबाइल है सबका, किसका किसका मोबाइल है, चप्पल मेरा भी रुको ना रे, वन प्लस का फोन है भाई, वन प्लस जगह छोड़िए मत, इसको छोड़िए मारूंगा ना, देखिए वन प्लस का फोन इसी में बताने, दो दो फोन है मतलब इतना महंगा महंगा फोन, इसके मोबाइल में तीन मोबाइल इसके पास है, पासवर्ड बता, चल मेरा चप्पल तुम्हारा, इसमें मोबाइल कौन है, आरपी आपका डाला, तुम्हारा मोबाइल नहीं देना, ये दो हमारा नहीं है, ये तीन है, दोस्त का नहीं है, ना नहीं है, छोड़ ना, तुम कैसा किया, तुम अपना जगह पर चलो, अरे है तो चोरी क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, पता है कितना महंगा मोबाइल है, पता है कितना चोरी किया है, चोरी किया है, 40,000 का फोन पास कहां से आया, तीन तीन मोबाइल तुम्हारे पास, मेरे दोस्त लोग मेरे को छोड़ के चले गए, छोड़ के तुम्हारा मामा, ये था ना कौन दोस्त, ये तो पकड़ लिया मेरा, महंगा महंगा फोन इसके पास कहां से आया, पोता पकड़ा है, और नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, कहां रहता है इसका, इसी में समझ नहीं आ रहा, 139 पे तुम मेरे को ये पकड़ा गया है ना, हां मैं तो ये पकड़ा गया है ना, ये तो कीजिए, चोरी किया 100% चोर है ही है, ये बैठा था हम देखे नहीं इसको, मेरा चप्पल इधर फेंका, हम से देने के लेकर पार हो गया, वो देख रहे हैं घुसड़े हुए हैं, अंदर लोग कुछ खोल लो, जब भी आप जर्नी करते हैं ट्रेन में तो इस बात का ध्यान रखें, इन लोगों से देख रहे हैं बच्चा, बच्चा देखकर ठीक है, आप बच्चा देखकर इग्नोर मत कीजिएगा, आपके बगल में आएंगे और लेके चले जाएंगे, झाड़ू लगाने आते हैं कोच में और मोबाइल निकाल के चल जाते हैं, बताइए चार फोन निकला है, एक भाई पकड़ लिया, इस वजह से इसमें से तीन तीन फोन निकला है, महंगा महंगा फोन वन प्लस है, बताइए जब भी ट्रेन जर्नी करे सतर्क रहे, क्या उम्र होगा इसका, 16 साल का है, 15 साल 16 साल उम्र होगा, बताइए काम क्या काम करता है, कदा भूख लगा हुआ है, मत मारिए, मत मारिए, किसी का 40,000 का फोन चला जाएगा, बाप का नंबर बताओ, हाँ बाप का नंबर बताओ, बांग्लादेशी है, ट्रेन में चढ़ाइए इसको, गाड़ी का चाबी निकल रहा है, हीरो होंडा का, देखिए गाड़ी का चाबी निकल रहा, अरे मार कौन रहा, ये हीरो होंडा का चाबी भी है, बताइए तो, मतलब गाड़ी भी चोरी करता है, फोन भी चोरी करता है, उम्र देखिए इसका, उम्र देखिए, पैकेट में है, ये कितने का मोबाइल, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है, मेरा नाम प्रीतम है, कहाँ घर हुआ, घर बलांगीर, बलांगीर नंबर बताओ, पिताजी का क्या नाम है, गाड़ी खराब हो गए हैं, खराब हो गया, मम्मी का नाम, मम्मी भी बलांगीर में, कहाँ रहता है, बलांगीर में और स्टेशन में रहता हूँ, झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल झूठ बोल रहा, स्टेशन में रहकर यही काम करते हो, अरे झूठ बोल रहा है, घर वाला जाने नहीं, ये बाइक इतना महंगा, बाइक का चाबी है तुम्हारे पास, तीन तीन फोन है, इतना महंगा एक बाइक तेरा है, चाबी तेरा बाइक है, ये चाबी कैसे आया तुम्हारे पास, अरे मैंने सुना था मेरा दोस्त लोग मेरे को छोड़ के चले गए, वो छोड़ के गए, अरे पकड़ा ना तुम, तीन मोबाइल छोड़ देगा, दोस्त का नंबर है, ये मोटरसाइकिल का चाबी भी लिए हुए, एक भी पासवर्ड याद है इसका, मोबाइल तीनों में से एक भी पकड़ लिया, ये तो दूसरे का फोन है ना, ये दूसरे का है ना, अभी निकाले हम लोग तीन, तो दोस्त का है, ये दोस्त का नहीं ना, तुम जाओ दोस्त को कॉल करो, दोस्त को कॉल करो, उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, नंबर भी मालूम नहीं, वो लोग मोबाइल भी उतर के मेरे मेरे मोबाइल भी पैसा भी लेके चले गए, ये मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ, ये मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को मालूम, तेरे पैकेट में कैसे आया, से बोल, हम लोग डाल दिए भैया, ये भैया ये सिंपल है, इसका गोडाउन है, सब मिले हुए हैं, जितना जो कुछ कुछ रेलवे का भी आदमी लोग रहता है, सब मिला रहता है, आप लोग में से किसी का भी मोबाइल वगैरह चोरी भी हुआ है, देख लीजिए इसको, चोर पकड़ाया है, चार चार मोबाइल का, उम्र देखिए इसका, देख रहे हैं, बाइक हीरो होंडा का बाइक भी चोरी किया है, कब से घूम रहा है ये, बहुत देर से, बहुत देर से मूवमेंट कर रहा है कोच में, वही चढ़ा है, देखिए
चार चार मोबाइल चोरी किया, बाइक चोरी किया, एक फिर एक फिर मिल गया, हम दिवा दिए। देख रहे हैं इसका उम्र, देखते जाइए चोर निकला ही। आपका भी कोई बार कुछ नहीं हुआ चोरी, सतर्क रहिएगा, जब भी चोरी कीजिएगा बच्चा देख के छोड़िएगा मत, देखिए उम्र इसका। चलो पूरा कोच घुमाएंगे तुमको, पूरा कोच घुमाएंगे। आप में से किसी का फोन वगैरह चोरी, लाइट जलाइए तो पहचानिए ठीक से, देखिए उम्र इसका। अभी क्या है कि मोबाइल जो है तीनों ऑन है, कॉल भी आया था लेकिन अभी कॉल नहीं आ रहा, कॉल आएगा तो उठा के बताएंगे और उनको फोन मिल जाएगा। लेकिन यही फोन को अगर हम आरपीएफ को देते हैं तो शायद ये फोन जिनका है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सब ना मिले हुए रहते हैं, ठीक है। फोन उनको मिलेगा, वो भी कमीशन लेंगे, फोन इसी लोग को दे देंगे वापस, ये तो सीन चलता आ रहा है भाई, पुरानी बात है, ठीक है। तो यही फोन अभी हमारे पास है, देखते हैं कॉल आएगा तो फिर उनको दिया जाएगा, ठीक है। मोबाइल तीनों ऑन है, ऑन है लेकिन वही ना पासवर्ड लगा हुआ है ना सब। ऐसा ये बताओ, सच सच बताना। पैसा कैसे चोरी करता है बताओ? अरे पैसा हम बलांगीर से चोरी कर रहे हैं। कैसे चोरी करता है हमको बताओ थोड़ा, हम लोग भी सतर्क रहेंगे ना। पर्स मारते हैं ना, पर्स मारता है। वो लेके मेरे, मैंने खोया था ये, वो टेंशन में खोया था। अच्छा। मेरे से लेके वो चप्पल फप्पल मिला सब कुछ लेके वो चले गए, चप्पल पहन लिया फिर। तो पर्स जो है तू मारता है जब, कब? जब पैसेंजर चढ़ता है ट्रेन में तब तू उतरता है, तब सोते समय, सोते वक्त। किसमें मारते हैं? किसमें मारा था? गाड़ी बलांगीर से। तो बलांगीर से जब ट्रेन में लोग चढ़ रहा था तब मारा था? किसी ट्रेन में? इसी ट्रेन में नहीं। कौन सा ट्रेन? इसमें से लाया है तीनों, दोनों ट्रेन, तीन तीन जो ट्रेन गया है, तीन जो ट्रेन में हम चढ़े, तीन वो ट्रेन में चढ़ा, ठीक है। और ऐसे बोगी बोगी से हम पैसा निकाल के। अच्छा अच्छा, मतलब कोई पैसेंजर अगर सोया हुआ है तो बगल से तुम ले लिया? और मेरे से वो लोग सारे ले गए। सच सच बताओ तुम कहाँ का है, सच सच बताओ? मैं बलांगीर से हूँ। बलांगीर से नहीं, तुम इस देश के हो? इंडियन हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो कि बांग्लादेशी हो, से बोलो। इंडियन, इंडियन हो? उड़ीसा, उड़ीसा। फोन से क्या करते हैं? ये फोन बेचते हैं वो लोग, तो गाँव में बलांगीर में ही। बताइए एक दिन में इस लोग का गैंग है, चार लोगों का, एक दिन में 40-45 फोन ये लोग हमला करते हैं। हम लोग स्टेशन पर रहते हैं, समझा ना, स्टेशन के बगल में घर। सही बात है, स्टेशन पर हम लोग चलो। रापीगंज खाली तोरा गया, जाए जाए तोरा हम बदल देंगे, गया जाए जाए तो चलो। मेरे को मार दिया, यही तो पकड़ लिया। फोन आया, रुकिए, आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया, एक मिनट शांत से। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो आप? हेलो, आप कौन बोल रहे हो? कनाडा से। कौन है? कन्नड़ बोलता है? नहीं बोलता, हिंदी आता है आपको? हिंदी। आपका फोन जो है चोरी हो गया है, फोन जो है, हाँ चोरी हो गया है ना, अभी धारा गया है तो वो चोर पकड़ा गया है समलेश्वरी एक्सप्रेस में, अभी ये बॉगी नंबर S3 है,
इस, हाँ इसमें इसको पकड़ के रखे हुए, आपका फोन ऑन था इसलिए सारा फोन मेरे पास है, ठीक है। तो आप फोन आप कैसे लोगे ये बताओ, मेरे पास फोन अभी सेफ है, अभी मैं हावड़ा जा रहा हूँ। S3 कोच है, हाँ सामलेश्वरी एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं। हाँ S3, आप कहाँ पे हो अभी? आइए, इसी कोच में हो आप, उतर के आइए। अच्छा AC2 टायर में है ना, तो आप S3 कोच में आप आइए, इसको पकड़ के रखे हुए। हाँ S3 कोच में घुसा था, से लिया है बोल रहा था, और इसी गाड़ी से तीनों फोन इसी गाड़ी आइए। AC2 में कहा है, देखिए हम लोग पकड़े हैं, हम घर है, मेरा मोबाइल मार दिया, फोन लगा रहे तो फोन काट दिया था, मारी बात मारे हैं मत मारो। सुनिए मैडम, चार लड़का गैंग है, खुद बोला है, एक दिन में 40-45 फोन चोरी करता है ये। और ये देखिए होंडा का चाबी भी है, बाइक चोरी किया है, ये देखिए बाइक भी चोरी किया, उसका चाबी यहाँ है, चार फोन अभी निकला है, एक तो इसका मिल गया है कुछ में, वो लोग सारे लेके चले गए, नहीं देखते तो मार दो इनको, जाए अरे जाने तो नहीं, गैंग चलता है खुद बोल रहा है, दारा की चार इतना मोबाइल सारे लेके चले गए, वो बात मत कर, तू क्या क्या वो पहले बता, वो कौन क्या नहीं क्या बात नहीं, हाँ बोलो, तुम गाड़ी का चाबी क्यों नहीं, किसका बाइक का चाबी, गाड़ी का चाबी किसका है, होंडा का है, वो स्कूटर से खींचा है वो मेरे दोस्त ने, कौन से स्कूटर से, एक्टिवा से, अरे बलांगीर से सही है, अभी रुको तुम्हारा इलाज होगा, इसको आ रहे हैं, जिसका फोन है एक आदमी आ रहा है, मोबाइल जिसका है संयोग से मोबाइल ऑन हो गया है, कॉल कर रहा है, इसी कोच में है, सब कॉल कर रहा है, सभी सबको फोन अभी दे देंगे, वो आ रहा है, हम देखो उसको, हां आ रहे हैं, क्या एक्शन लोगे इसके, क्या एक्शन लोगे, देखिए क्या है ना कि आप लेके आप लोग जाते हैं, सही बात है, कॉल आया, देखिए फिर कौन आया, किसी दूसरे का बसंत कुमार, हेलो, हाँ सर बोलिए, हाँ मेरे पास है, आप आ जाइए ना, कौन सी ट्रेन में है आप, हाँ तो आप समलेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन में है, हाँ तो आप S3 कोच में आ जाइए, हमने पकड़ा है चोर को, सारा फोन मेरे पास है, तीन तीन चोर भी आपका, आप S3 में आइए ना, आपको मिल जाएगा, गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी लगी हुई है, S3 में आइए, सीट नंबर 40 है, आजकल ही सब मोबाइल है, अरे चोर को भी पकड़ लिए हम लोग, आइए आइए सब ट्रेन सब जो है मोबाइल तुम इसी ट्रेन से चला है, वही नेम का है, झूठ बोल रहा है, चाट को नहीं होगा, अरे हम लोग रहते हैं उस स्टेशन के रहने वाले, हम लोग इसी जगह दूसरी जगह नहीं रहते, आप लोग क्या करते हैं, बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, बताइए ये कितना खतरनाक है, ये बताइए उम्र देखिए, किसी का साला 2 महीने का समय होगा, 40-40 हजार का फोन है, फोन मारा, अरे ये तो हम लोग देखे नहीं, पॉकेट वॉच हो ना, तो मारे चले जा रहे थे, कई लोग देखे ना, कमाओ मार के इसको, ये भी मारा, ये भी किसी का लिया, चश्मा उसी का है, देखिए मतलब चश्मा भी चोरी करता है भाई साहब, फोन तो फोन चश्मा भी उसी का है, साठो मारा है क्या, चप्पल भी चप्पल मार रहा था, चप्पल भी चोरी का है, वाह चप्पल के भाई, चप्पल चप्पल दूसरे का ले लिया, आपको मार रहा था, हमारा मार रहा था, अच्छा चमड़ा का चप्पल, चप्पल भी चोरी का, चश्मा भी चोरी का, फोन भी चोरी का, नारी भी चोरी कर रहा है, जाओ जाओ अपने सीन पर जाओ, चलो तुम फिर बात कर देगा, देखो सामान मेरा, जाओ अपना सीन पर जाओ, सामान देखो, ये पहले खोलिए, पहले मिल लीजिए इसको, आप देखे थे,
हम दे रहे हैं आप कौन सा फोन है आप दो है एक सैमसंग है दो फोन है आपके एक तो इसमें कौन है एक स्विच ऑफ होगा ये कान में आप ये हाथ से निकलेगा वो तो आप कौन से कोच में थे मैं A1 से A1 में थे तो कैसे ये ले लिया आप सोए हुए थे क्या नहीं तो ये मैं पानी के लिए आपका कौन सा फोन है सैमसंग है ये आपका क्या ये खुल जाएगा ना मेरा हाथ से चलो आपका है ना और भी है क्या देखिए यही और एक है छोटा आप एक काम करो ये वाला ये वन प्लस पासवर्ड खोल दीजिए खोलिए खुल जाएगा सेम कोड है होशियार से रही है ये लड़का भी वो बोल रहा था बगल वाला लड़का गया हुआ ये खुल तो गया पुलिस में रिपोर्ट दिया हुआ भैया खुल तो गया दो फोन मिल चुका है ये कोच में होगा पता नहीं दो फोन तो मिल गया भाई ये तो मतलब कि स्लीपर तो छोड़ो तुम एसी में सेकंड एसी में भी जाकर चोरी कर रहा है भाई हिम्मत कैसे हो गया तुमको बताइए सेफ ही मतलब ये एसी में जर्नी करने वाला है पैसेंजर भी सेफ नहीं है मेरा खुद मोबाइल है पुलिस भाग रहा था फ्यूचर कर रहा था पीछे से हिम्मत देखिए एसी में जाकर चोरी कर रहा है एसी से पकड़ा कैसे अरे इसका पकड़ा है ये मेरा पोता है मेरा पोता है बड्डी मार इसको मारे मारे हो ना इतना सारा पैसा भी चोरी किया है ग्रुप है नहीं नहीं छोड़ो 40 फोन एक दिन में चोरी किया है बाइक का चाबी चश्मा आपका है ये देखिए चश्मा भी चोरी किया ये भी है देखिए ये गाड़ी की स्कूटी का चाबी है वो मेरा नहीं चप्पल भी दूसरे को पहना है दूसरे का सर आप तो मार कर कौन सा बोगी में थे कौन सा बोगी में थे A1 में सेकंड एसी मिल गया ना इसको आप क्या कीजिएगा मैडम आप बताइए ये फोन तो है वो तो आएगा तो उसको दे दे इसको लेके जाइएगा लेके जाइएगा तो फिर इसको छोड़िएगा इस पर मत छोड़िएगा इस ट्रेन में मत छोड़िएगा ग्रुप है बोल रहा है ग्रुप है जब तक इसका ग्रुप नहीं मिले तब तक छोड़िएगा संबलपुर में पुलिस को बता दीजिए मिल गया क्योंकि वहाँ रिपोर्ट लिखा है कचरा साफ कर दीजिए जाओ हेलो मोबाइल पकड़ाया 5 मोबाइल चोरी किया था 4 फोन जो है वो ट्रेनी जहाँ दे दिए हैं एक फोन बचा है गाड़ी का चाभी चश्मा देखिए चाभी भी चप्पल सब चोरी किया है गैंग का ही 5 लोगों का गैंग है ये अकेला धरा है पाँच को ले जाना है देखिए इसने देखिए हमें सीख लगा हुआ था कॉल आया दे दी इसमें जो जिसने इसका चोरी हुआ है ये तो भाई वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि कहानी क्या है फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ कि इस ट्रेन में जर्नी कर रहे थे 4 लोग उनका मतलब मोबाइल चोरी हुआ एक लोग थे जो सेकंड एसी में जर्नी कर रहे थे उनका 2 फोन था एक छोटा भाई था वो बिहार का ही था तो उसका एक फ़ोन चोरी हुआ तो गलती से क्या हुआ ना उसका फ़ोन चोरी करके वो जा रहा था तो पकड़ा गया उसके बाद आगे क्या हुआ आपने देखा ही और झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पे उस चोर को एज बहुत कम था यार 15-16 साल का बच्चा उसे झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पे RPF के हवाले किया गया और जो फ़ोन उसके जेब से निकला 3 फोन तो जो पैसेंजर ट्रेन में जर्नी कर रहे थे मोबाइल ऑन था उनका तो उनका कॉल आया तो उनको फ़ोन दे दिया गया एक फ़ोन जिनका सिम निकाल के उन्होंने फेंक दिया था तो वो फ़ोन नहीं दे पाए हम लोग किसी भी तरह से लेकिन वो फ़ोन जो है RPF के झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन उनके पास है वहाँ पे वैसे मेरी कोशिश थी मेमोरी कार्ड मिला उसमें से डिटेल्स वगैरह निकालने का तो एड्रेस तो मिल गया था लेकिन किससे कॉन्टैक्ट करे वो नहीं मिल पा रहा था ठीक है इस वजह से वो फ़ोन उनको नहीं मिल पाया लेकिन 4 फ़ोन तो रिकवर हो पाया भाई तो बस यही है एक छोटा सा वीडियो था मैसेज देना यही था आप लोगों की आप जर्नी करते हैं आप तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का ठीक है ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड एसी में जर्नी करते हैं तो आप सेफ हैं इस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयर करें आप जर्नी करते हैं तो निश्चिंत होकर सोइए मत लगेज पे ध्यान रखिए फ़ोन क्या करते हैं लोग चार्ज में लगा देते हैं सो जाते हैं ऐसा मत करिए फ़ोन चार्ज करके आइए अगर चार्ज करना हो तो सामने में चार्ज कीजिए फिर चार्जर को रख के मोबाइल जेब में रख के तब सोइए ठीक है
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो ट्रेन में सफर करते हैं उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चले कि कहानी क्या होता है। वैसे ये घटना थी उड़ीसा की संबलपुर से लेकर झारचुमड़ा के बीच में, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें, और हाँ सतर्क रहें।